गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर टू, चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ अवर पेपर टू. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिश सीड प्रोडक्शन. टॉपिक्स: फिश सीड रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज इन इंडिया, मेथड ऑफ फिश सीड कलेक्शन जिसमें बंद ब्रीडिंग एंड इंड्यूस ब्रीडिंग, टू टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, हैचरी टेक्निक्स फॉर डिफरेंट फिशेस, फिश सीड ट्रांसपोर्ट. जिसमें जो ये अंडरलाइन किया गया है 9.1 मीन्स जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिश सीड रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज इन इंडिया. तो ये जो टॉपिक है वो रिड्यूस किया गया है सिलेबस से. उसके बाद मेथड ऑफ फिश सीड कलेक्शन हम लोग इस जो PPT है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे. उसमें बंद ब्रीडिंग और इंड्यूस ब्रीडिंग है, जो कि हमने फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 में चैप्टर नंबर 4 में ये टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग पढ़ चुके हैं, बंद ब्रीडिंग और इंड्यूस ब्रीडिंग. उसके बाद है जो इंड्यूस ब्रीडिंग है वो रिड्यूस कर दिया गया है इस चैप्टर से, जिसमें हमको सिर्फ बंद ब्रीडिंग पढ़ना है. उसके बाद 9.3 है हैचरी टेक्निक्स फॉर डिफरेंट फिशेज, ये पढ़ना है. उसके बाद है फिश सीड ट्रांसपोर्ट. तो जो ये तीन टॉपिक है, ये तीन टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. फर्स्ट इज़ मेथड ऑफ फिश सीड कलेक्शन, जिसमें बंद ब्रीडिंग हमको यहाँ पे पढ़ना है. नेक्स्ट इज़ हैचरी टेक्निक्स फॉर डिफरेंट फिशेस. उसके बाद फिश सीड ट्रांसपोर्ट, तो कैसे अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट फिश के सीड जो होते हैं वो किए जाते हैं. तो ये तीन जो टॉपिक है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और इस स्लाइड में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेथड, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है मेथड ऑफ फिश सीड कलेक्शन. मेथड ऑफ फिश सीड कलेक्शन एंड प्रोडक्शन. तो किस तरीके से फिश के जो सीड्स होते हैं, फिश के सीड्स हम किसे कहते हैं, जो एग्स होते हैं फिश के, एग्स या फिर जो एकदम स्मॉल साइज की, जैसे एग्स के बाहर जब फिश आती है, ठीक है, वो साइज की फिश, उसे हम क्या कहेंगे, फिश सीड. तो बहुत सारी फिशेस जो होती है, कुछ फिशेस ओवी पैरस होती है, कुछ फिशेस वीवी पैरस होती है. ओवी पैरस फिशेस जो होती है वो एग्स ले करती है, और जो वीवी पैरस फिशेस होती है वो डायरेक्टली यंग वंस प्रोड्यूस करती है. तो ऐसी जो फिशेस होती है जो डायरेक्टली यंग वंस प्रोड्यूस करती है, उनकी जो छोटी फिशेस होती है उनको हम क्या कहेंगे, सीड कहेंगे. वो क्या हो गया हमारा, फिश सीड, जिससे को लेकर हम लोग क्या करते हैं, कल्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेथड कैसा है फिश सीड कलेक्ट करने का और उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. मेथड्स ऑफ फिश सीड कलेक्शन फ्रॉम रिवर एंड प्रोडक्शन फ्रॉम बंद ब्रीडिंग एंड इंड्यूस ब्रीडिंग आर डिस्क्राइब एज फॉलो. तो जो मेथड ऑफ फिश सीड कलेक्शन है रिवर से, एंड प्रोडक्शन किससे, प्रोडक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं बंद ब्रीडिंग में, फिशेस को बंद में ब्रीड करवा रहे हैं, इंड्यूस ब्रीडिंग, उनको इंजेक्शंस लगा के उनको हार्मोन्स हम दे रहे हैं ताकि वो ब्रीड करे. तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग सीड का. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं. फिश सीड कलेक्शन फ्रॉम रिवर. द टेक्निक ऑफ फिश सीड कलेक्शन इज डिस्क्राइब एज फॉलो. तो अभी वो टेक्निक यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है जिसमें सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कलेक्शन ऑफ स्पॉन, स्पॉन एग्स या फिर एग्स या फिर छोटी फिशेज जो होती है. तो साइट सिलेक्शन सबसे पहले इसमें आएगा. सबसे पहले हम लोग साइट सिलेक्ट करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ स्पॉन. तो साइट कैसी होनी चाहिए. Before selection of site, pre-monsoon survey should be done on the basis of following criteria. तो selection करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, survey करना पड़ता है. Site selection करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, pre-monsoon survey means बारिश आने के पहले हम एक survey करते हैं. तो वो किस पे बेस होता है, उसका criteria अभी यहाँ पे दिया है कि जो जब हम survey करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए. फर्स्ट है इसमें देखिए टोपोग्राफी. टोपोग्राफी मींस क्या होता है, किसी जगह की स्टडी करना,
किसी जगह के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ प्लेस इज टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ऑफ टेरेन। टेरेन मीन्स किसी जो साइट है अपनी, तो वो उस जगह को क्या बोल रहे हैं, टेरेन। ठीक है, स्टडी ऑफ टेरेन मीन्स टोपोग्राफी ऑफ टेरेन। एंड बैंक फीचर, बैंक फीचर मीन्स उस वाटर बॉडी के किनारे के फीचर्स कैसे है। ठीक है, एट एंड इन द वेसिनिटी ऑफ द साइट शुड बी स्टडीड टू डिटरमाइन एरिया अवेलेबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ नेट ड्यूरिंग डिफरेंट फ्लड कंडीशंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं टोपोग्राफी के थ्रू, कि टेरेन मीन्स वो जगह कैसी है, बैंक फीचर कैसा है वहाँ का, और वेसिनिटी मीन्स सराउंडिंग एरिया। वेसिनिटी का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग एरिया। तो सराउंडिंग एरिया कैसा है, साइट की पूरी स्टडी की जाती है क्या करने के लिए, कि वहाँ का एरिया कितना एरिया अवेलेबल है ये डिटरमाइन करने के लिए। और वो क्यों किया जाता है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ नेट, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी नेट्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। ड्यूरिंग डिफरेंट फ्लड कंडीशन, तो अलग अलग फ्लड कंडीशंस में मतलब हर एक तरीके से वहाँ पे सोचा जाता है कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ऑपरेशन कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सबसे पहले टोपोग्राफी मीन स्टडी ऑफ लैंड, उसके बाद सर्वे ऑफ टोपोग्राफी ऑफ ड्राई बेड्स, उसके बाद ड्राई बेड्स किसे कहा जाता है, ऐसे जो पॉन्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ बारिश होने पर, रेनी सीजन आने पर ही वो फिलअप होते हैं, पूरी तरीके से वेट होते हैं, और बाकी सीजन में वो पूरी तरीके से ड्राई रहते हैं, उसमें पानी नहीं रहता। तो ऐसे जो एरिया होते हैं, वाटर बॉडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई बेड्स कहते हैं। सर्वे ऑफ टोपोग्राफी ऑफ ड्राई बेड्स एंड द बैंक फीचर शुड बी डन टू स्टडी द करंट पैटर्न ऑफ द रिवर वाटर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्लड। तो सर्वे किया जाता है किसका, टोपोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ लैंड, जिसमें ड्राई बेड्स और बैंक फीचर की स्टडी की जाती है, जिससे क्या पता चलता है, करंट पैटर्न ऑफ रिवर वाटर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्लड मीन्स अभी जो करंट पैटर्न है रिवर का, तो डिफरेंट सिचुएशन में उसका पानी कहाँ कहाँ तक जा सकता है। अगर बहुत फ्लड आ जाता है मीन्स बाढ़ जैसे बाढ़ की तरह कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसका पानी कहाँ कहाँ तक जा सकता है, तो ये सब स्टडी उस सर्वे में टोपोग्राफी में आती है। फॉर द असेसमेंट ऑफ अबेंडेंस ऑफ मेजर कार्ब ड्यूरिंग मानसून सीजन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द फिश फौना एट द स्ट्रेच ऑफ रिवर शुड बी डन। स्टडी शुड इंक्लूड रेसिडेंट एंड इमिग्रेटेड फिशेस। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि कितनी ज़्यादा मेजर कार्ब्स इसमें हम लोग कल्चर कर सकते हैं, और मानसून सीजन के टाइम पे इसमें कितनी मेजर कार्ब्स प्रेजेंट होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंपोजिशन कैसा है मींस डिस्ट्रीब्यूशन मींस कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, कौन से एरिया में ज़्यादा फिशेस है, उसके बाद कंपोजिशन मींस फिश कौन सी इसमें अवेलेबल है, कौन सी कार्प उसमें अवेलेबल है, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फिश फौना वही मींस कौन सी फिश उसमें अवेलेबल है, तो एट द स्ट्रेच ऑफ द रिवर शुड डन। तो पूरे रिवर जहाँ तक के फैला है वहाँ तक के हम लोग ये सर्वे करते हैं। स्टडी शुड इंक्लूड रेसिडेंट एंड इमिग्रेटेड फिशेस। तो स्टडी में क्या क्या आ जाता है, इन रेसिडेंट फिशेस मीन्स जो उसमें अवेलेबल है, जो रह रही है फिशेस, और इमिग्रेटेड फिशेस मीन्स कुछ फिशेस क्या करती है, माइग्रेट करती है, दूसरी जगह पे चले जाती है, तो उनकी भी स्टडी इसमें आती है। मीन्स वो कुछ दिनों के लिए माइग्रेट करती है, फिर से इधर आ जाती है, तो इमिग्रेट जो माइग्रेट फिश होती है उनके बारे में भी इसमें जानकारी होती है। ट्रिब्यूटरीज, रिव्यूलेट्स एंड नालाज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिवर विच एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रिवर एंड द ब्रीडिंग ग्राउंड, हैंस देयर प्री मानसून स्टडी इज नेसेसरी। तो ट्रिब्यूटरीज होती है, रिव्यूलेंट्स मीन छोटे रिवर जो होते हैं, स्मॉल रिवर्स, नाले जो होते हैं मीन्स फ्लो होके वो किस में आते हैं, सब रिवर्स में, रिवर में आते हैं, तो वो भी क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिवर।
विच एक्ट एज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रिवर एंड द ब्रीडिंग ग्राउंड। तो उन रिवर और ब्रीडिंग ग्राउंड के बीच में क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। हैंस देयर प्री मानसून स्टडी इज नेसेसरी, इसीलिए प्री मानसून स्टडी बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन एंड एसेसिबिलिटी ऑफ साइट इज नेसेसरी। अभी देखते हैं, साइट का आइडेंटिफिकेशन और एसेसिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे, रिवर फ्लो इन अ सर्पेंटाइन मैनर इन प्लेन्स, जो प्लेन्स होते हैं उससे रिवर कैसे फ्लो होते हैं, सर्पेंटाइन मैनर में, स्नेक लाइक, ठीक है, स्नेक लाइक मैनर में वो फ्लो होती है, बेंड होके, कर्व्स होते हैं उसमें, बेंड्स होते हैं। कर्व्स एंड बेंड्स आर डेवलप वाइल फ्लोइंग द वाटर। तो जैसे वाटर फ्लो होता है इस सर्पेंटाइन मैनर में, तब उसमें क्या आ जाते हैं, बेंड्स एंड कर्व्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। फास्ट इरोडिंग बैंक ऑफ द रिवर इज कॉल्ड एज इरोजन जोन। तो जो ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे किनारे होते हैं जो कि फास्टली इरोड होते हैं, ठीक है, इरोड मीन्स जब पानी मिट्टी को अपने साथ में लेकर बहता है उसे क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। तो फास्ट इरोजन बैंक जो होते हैं रिवर के, उन्हें क्या कहते हैं, इरोजन जोन कहा जाता है। वेयर एज अ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग बैंक अपोजिट टू इरोजन जोन इज कॉल्ड एज शेडो जोन। तो जो फ्लैट और स्लोपिंग जेंटल जोन होता है उसे, मतलब ये कहाँ पे होता है, अपोजिट टू इरोजन जोन, इरोजन जोन के अपोजिट में ही होता है, उसे क्या कहते हैं, शेडो जोन। अभी यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको दिया है, ये देखिए ये क्या है, ये फास्ट इरोजन वाले किनारा है, तो इसे क्या कहा गया है, इरोजन जोन, और उसी के अपोजिट में ये वाला जोन है शेडो जोन, ठीक है, ये शेडो जोन है मीन्स उसके अपोजिट में ही है। तो यहाँ से क्या होता है, फास्ट इरोजन होता है, और ये फ्लैट एरियाज होते हैं तो इससे बहुत कम इरोजन होता है, तो ये कौन से हो गए, शेडो जोन, और जिसमें इरोजन होता है तो उसको इरोजन जोन कहते हैं। द इरोजन जोन एंड द शेडो जोन साइट इज नॉट सुटेबल फॉर सीड कलेक्शन। तो ये जो दोनों जोन होते हैं, इरोजन जोन और शेडो जोन, तो ये सीड कलेक्शन के लिए सुटेबल नहीं होते। सुटेबल साइट फॉर सीड कलेक्शन इन द स्लोपिंग बैंक ऑफ द रिवर। तो स्लोपिंग जोन जो होता है वहाँ पे सीड कलेक्शन के लिए वो सुटेबल होता है, जैसे कि ये है स्लोपिंग जोन, ठीक है, तो ये जो जोन होता है ये फिश सीड कलेक्शन के लिए सुटेबल माना जाता है। एट दिस साइट अ लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन कलेक्शन नेट आर ऑपरेटेड टू कलेक्ट द स्पॉन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में यहाँ पे नेट्स वगैरह लगाई जाती है ताकि जो स्पॉन्स होते हैं वो बहते बहते उस नेट में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग सीड कलेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे रिवर शोइंग डिफरेंट जोन। तो ये रिवर का यहाँ पे पिक्चर दिया है जिसमें डिफरेंट जोन यहाँ पे शो किए गए हैं। तो देखो यहाँ पे एक इरोजन जोन है, फिर से यहाँ से जब बेंड होती है तो यहाँ पे इरोजन जोन है, और उसके इधर यहाँ पे शेडो जोन होता है, और यहाँ से क्या होती है, एकदम सीधी जब बहती है नदी तो ये स्लोपिंग जोन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेट यूज फॉर कलेक्शन ऑफ स्पॉन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कलेक्शन ऑफ स्पॉन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइट सिलेक्ट करते हैं कि हम स्पॉन कहाँ से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब साइट सिलेक्ट हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग नेट्स यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, नेट यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ स्पॉन्स। स्पॉन कलेक्शन नेट कॉल्ड एज शूटिंग नेट इज अ फनल शेप्ड नेट विथ फाइनली वोवन नेटिंग। तो नेट कैसी यूज़ की जाती है, स्पॉन कलेक्शन नेट कॉल्ड एज शूटिंग नेट, जिसको क्या कहा जाता है, शूटिंग नेट भी कहा जाता है। स्पॉन कलेक्टिंग नेट को शूटिंग नेट कहा जाता है, जो कि कैसे होती है, फनेल शेप की होती है और फाइनली वोवन नेटिंग उसमें होती है। नेट इज ऑपरेटेड इन शैलो एरिया ऑफ फ्लडेड रिवर। तो नेट ऐसे रिवर में हम यूज़ करते हैं जिस जहाँ पे शैलो एरिया रहता है, मीन्स कम पानी वाला एरिया रहता है, और जो फ्लडेड रिवर होता है जो बहुत अच्छे से बहता है वहाँ, उस रिवर में हम लोग ये नेट का यूज़ करते हैं, और उस नेट को हम कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इन शैलो एरियाज।
माउथ ऑफ द नेट इज फेसिंग द वाटर करंट, जो माउथ होता है नेट का वो वाटर करंट को फेस करता है, उसका उसका जो फेस होता है वो वाटर करंट की तरफ होता है, ठीक है। एट द कॉर्ड एंड ऑफ द नेट अ रिंग ऑफ बाम्बू स्प्लिट इज स्टिच्ड, तो कॉर्ड के एंड पे क्या होती है, रिंग ऑफ बाम्बू स्प्लिट स्टिच्ड, बाम्बू की एक रिंग वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है, नेट के कॉर्ड एंड पे। अ रिमूवेबल रिसेप्टर कॉल्ड एज गमछा इज फिक्स टू दिस रिंग, और उस रिंग को हम लोग एक रिमूवेबल रिसेप्टेबल जिसको हम गमछा कहते हैं, ठीक है, जिसमें सीड्स कलेक्ट होती है, ठीक है। रिमूवेबल रिसेप्टेबल कॉल्ड एज गमछा इज फिक्स टू दिस रिंग, उस बाम्बू रिंग को एक और गमछा अटैच होता है जिसमें वो स्पॉन्स कलेक्ट होते हैं। गमछा इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ एंड इट हैज़ अ शेप ऑफ मॉन्क्स हुड, ठीक है। गमछा क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर पीस, क्लोथ का एक रेक्टेंगुलर पीस होता है जिसका जो शेप होता है वो मॉन्क्स हुड की तरह होता है, ठीक है। स्पॉन मूविंग अलोंग विद द मार्जिनल करंट कलेक्ट देमसेल्फ इन द गमछा एंड इट इज़ पीरियोडिकली स्कूप्ड सीव्ड, तो स्पॉन जो आते हैं पानी के करंट के साथ बहकर, तो वो कलेक्ट किस में हो जाते हैं, खुद से अपने आप वो गमछा में आके कलेक्ट हो जाते हैं, और उसको फिर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्स फील हो गए उस गमछा में तो उसको निकाल के उसको जो एग्स है वो स्कूप कर लिया जाते हैं, मीन्स चम्मच की तरह कुछ लेकर उसको निकाल लिया जाता है पीरियोडिकली, मीन्स थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग इसको निकाल लेते हैं। सीव्ड थ्रू अ नॉन मेटेलिक स्ट्रेनर, और उसको सीव कर दिया जाता है फ्रॉम अ नॉन मेटेलिक स्ट्रेनर टू रिमूव लार्जर ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होता है जो बड़े ऑर्गेनिज्म है वो निकल जाते हैं। एंड डेब्रीज एंड स्टोर इन हापास और इन स्पेशली प्रिपेयर्ड मड पिट्स, और जो डेब्रीज होती है लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस सीव के थ्रू स्ट्रेनर के थ्रू वो निकल जाते हैं, और जो बाकी एग्स हमको मिलते हैं वो एग्स हम लोग हापाज में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, और इन स्पेशली प्रिपेयर्ड मड पीट जो मड के गड्ढे बना के उसमें रखते हैं। द डायमेंशन ऑफ स्पॉन कलेक्टिंग नेट यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर नॉट येट स्टैंडर्डाइज, तो स्पॉन कलेक्टिंग नेट जो है उसका जो साइज है वो अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं है कि इंडिया के हर एक पार्ट में वैसा ही यूज़ होगा, अलग अलग उसके साइज़ और अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। इन नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल बेंची जाल इज़ यूज्ड, नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल में बेंची जाल यूज़ किया जाता है। मुर्शिदाबाद नेट इज़ यूज्ड इन लोअर गंगा एंड पद्मा रिवर, मुर्शिदाबाद जो नेट है ये एक नेट का नाम है, मुर्शिदाबाद नेट इज़ यूज इन लोअर गंगा एंड पद्मा रिवर, गंगा एंड पद्मा रिवर में ये नेट यूज़ की जाती है। मिदनापुर नेट इज़ यूज इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, तो मिदनापुर टाइप का जो नेट होती है वो किस में कब यूज़ करते हैं, इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल। डायमेंशन ऑफ दीज नेट्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर फॉर एन एग्जाम्पल, तो हर एक ये जो नेट्स दी है, मिदनापुर की नेट है, मुर्शिदाबाद जो नेट है, उसके बाद बेंची जाल जो है, ये सब एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं सीड कलेक्शन के लिए, बट इस ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो देखिए कैसे एग्जांपल देकर बताया है, डायमेंशन ऑफ मिदनापुर नेट इज़ डिस्क्राइब एज फॉलो, तो मिदनापुर के डायमेंशंस यहाँ पर दिए हैं। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे एक टेबल हमको दिया है जिसमें सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स मीन्स उसकी लेंथ विड्थ हाइट ऑफ माउंट रिंग डायमीटर, और उसके बाद जो थर्ड टेबल है उसमें डायमेंशन दिया है। तो देखिए फर्स्ट दिया है लेंथ कैसी होती है मिदनापुर नेट की जो लेंथ होती है वो 320 सेंटीमीटर होती है, विड्थ जो होती है 310 सेंटीमीटर होती है, हाइट ऑफ माउथ कितना होता है 60 सेंटीमीटर, रिंग डायमीटर इज 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ गमछा इज 170 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ गमछा इज 60 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ गमछा एट रियर एंड इज
45 सेंटीमीटर। तो ये सारे इसके क्या है, डायमेंशन है मिदनापुर नेट के। उसके बाद है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पॉन। शूटिंग नेट इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ टू बाम्बू पोल्स इन द शैलो मार्जिन ऑफ फ्लडेड रिवर। अभी यहाँ पे पहले हमने पढ़ा कि नेट यूज फॉर कलेक्शन ऑफ स्पॉन। उसके बाद है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पॉन। पहले हमने नेट पढ़ा कौन सी यूज़ करते हैं, मिदनापुर की नेट है, उसके बाद बेंची जाल हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के नेट यूज़ करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ स्पॉन। अभी मेथड कैसा है, मेथड किस तरीके से हम लोग उसको अरेंज करते हैं, नेट्स को अरेंज करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पॉन। शूटिंग नेट इज फिक्स विद द हेल्प ऑफ टू बाम्बू पोल्स इन द शैलो मार्जिन ऑफ फ्लडेड रिवर। तो किसी फ्लडेड रिवर में, अच्छे बहने वाले रिवर में जो शैलो एरिया होता है वहाँ पे क्या करते हैं, टू बाम्बू पोल्स लगाए जाते हैं और उसमें शूटिंग नेट जो होती है उसको फिक्स कर दिया जाता है। माउथ ऑफ द नेट इज केप्ट ऑलवेज फेसिंग टू वाटर करंट। जो माउथ होता है उस नेट का वो हमेशा माउथ जो होता है वो वाटर करंट की तरफ फेसिंग करके होता है। टेल एंड इज फिक्स्ड विद द अनादर टू बाम्बू पोल फिक्स्ड इन वाटर। जो टेल एंड होता है उसको और जो उसके पीछे और दो बाम्बू पोल्स लगाए जाते हैं वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। द नेट इज देन लेफ्ट अड्रिफ्ट इन वाटर सो दैट इट रिमेन्स इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और उसके बाद नेट को छोड़ दिया जाता है ताकि वो वाटर में ड्रिफ्ट करे और अपने आप से वो डायरेक्शन जो है वो चेंज करे वाटर करंट के साथ। टू द टेल एंड गमछा इज देन टाइड राउंड द रिंग। तो उसको रिंग लगाई जाती है लास्ट में एंड को और वहाँ पे गमछा लगाया जाता है, गमछा जिसमें फाइनली जो स्पॉन है वो कलेक्ट किए जाते हैं। पोस्टीरियर एंड ऑफ द गमछा इज फिक्स टू द टू बाम्बू पोल्स इन द वाटर। गमछा का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो बाम्बू पोल्स से, जो दो बाम्बू पोल्स होते हैं उससे फिक्स कर दिया जाता है। बिफोर कलेक्टिंग द स्पॉन ट्रायल नेटिंग इज डन टू लोकेट द स्पॉट विच इज़ हैविंग मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉन। तो पहले जब नेटिंग पूरी तरीके से लगाने के पहले ट्रायल किया जाता है कि किस एरिया में या किस जगह पे हमको कौन सा लोकेशन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये ट्रायल होता है पहले, फिर आफ्टर ट्रायल नेटिंग फुल बैटरी ऑफ नेट इज अरेंज फॉर ऑपरेशन। तो पूरी जितने भी नेट्स होते हैं आफ्टर ट्रायल होने के बाद उनको पता हो जाता है कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे फुल बैटरी मींस नेट्स जितनी भी उनके पास है वो अरेंज कर दी जाती है। वंस ऑपरेशन इज स्टार्टेड कलेक्शन फ्रॉम टेल पीस ऑफ ईच नेट इज स्कूप्ड आउट वन आफ्टर द अदर इन क्विक सेशन एवरी 15 मिनट, हाफ आवर, 1 आवर और 2 आवर। तो स्पॉन कितने कलेक्ट हो रहे हैं, मीन्स 15 मिनट में पूरा भर रहा है क्या गमछा, ये देख के क्या किया जाता है, जैसे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है तो जो टेल पीस होता है लास्ट में जो हम लोग ने गमछा लगाया है वो स्कूप आउट कर लिया जाता है, मीन्स उसमें से स्पॉन निकाल लिए जाते हैं आफ्टर एवरी 15 मिनट। अगर जल्दी भर रहा है, फ्लो ज़्यादा है और स्पॉन अच्छे से जल्दी भर रहे हैं तो हर एक 15 मिनट में हम लोग क्या करते हैं वो स्कूप करके निकाल लेते हैं, या फिर अगर भरने में टाइम लग रहा है तो आधे घंटे में या फिर 1 आवर या 2 आवर, तो ऐसा हम लोग देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा और उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं जो स्पॉन होते हैं उनको स्कूप आउट कर लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ कलेक्शन। तो ये किस पर डिपेंड होता है, उसकी इंटेंसिटी पे, कि कितने जल्दी मतलब कितना फील हो रहा है, 15 मिनट में पूरा फील हो रहा है या फिर हाफ आवर में फील हो रहा है, तो इस इंटेंसिटी को देखते हुए कलेक्शन किया जाता है। द कंटेंट ऑफ द गमछा आर देन स्कूप्ड इमीडिएटली इनटू अ कंटेनर हैविंग रिवर वाटर। और जब हम लोग वो स्कूप आउट करते हैं जो एग्स होते हैं उसको हम लोग इमीडिएटली किसमें ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसा एक कंटेनर होता है जिसमें रिवर वाटर होता है, तो उसमें हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। द कलेक्शन इज देन पास थ्रू द मॉस्किटो नेटिंग सीव सो दैट अनवांटेड ऑर्गेनिज्म एंड नॉन फ्लोटिंग डेब्रीज कैन बी रिमूव्ड। उसके बाद उसको एक नेट के थ्रू उसको सीव कर लिया जाता है, छान लिया जाता है, जिससे क्या होता है अनवांटेड ऑर्गेनिज्म और जो नॉन फ्लोटिंग डेब्रीज है वो
वो उसमें से निकल जाती है. कलेक्टेड स्पॉन आर मेजर्ड एंड कीप इन हापा फॉर कंडीशनिंग देन ट्रांसपोर्ट टू फिश फार्म एंड स्टॉक इन नर्सरी. तो कलेक्टेड स्पॉन को पहले मेजर किया जाता है कितने अमाउंट में हमने स्पॉन कलेक्ट किए हैं, उसके बाद उनको हापा में रखा जाता है फॉर कंडीशनिंग. कंडीशनिंग मीन्स हम लोग अभी उसको रिवर वाटर में थी, उसके बाद रिवर वाटर से हम लोग अभी उसको नर्सरी में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो कंडीशन मतलब अच्छे से वो उनको मैच कर ले वो पानी वगैरह, तो इसीलिए कंडीशनिंग उसे कहा जाता है. उसके लिए हम लोग वो स्पॉन्स को कहाँ रखते हैं, हापा में रख देते हैं. और उसके बाद हम लोग कुछ देर के बाद जब स्टेबल हो जाते हैं स्पॉन, देन ट्रांसपोर्ट टू फिश फार्म, उसके बाद फिश फार्म में हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड स्टॉक इन नर्सरीज, और बाद में उनको नर्सरीज में स्टॉक करते हैं. उसके बाद है फोर्थ वाला है मेजरिंग ऑफ स्पॉन क्वालिटी एंड टेम्पररी स्टोरेज. कलेक्टेड स्पॉन इज मेजर बाय यूजिंग 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml एंड 200 ml मेजरिंग कप. तो इन अलग अलग साइज़ के मेजरिंग कप्स होते हैं, 5 ml का, 10 ml, 20, 30, 50 और 100 एंड 200 ml के ऐसे कप्स होते हैं, जिससे हम लोग वो जो कलेक्टेड स्पॉन है उनको मेजर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बल्क क्वांटिटी. तो जैसी क्वांटिटी है वैसे हम उनको मेजर करते हैं. फॉर टेम्पररी स्टोरेज कलेक्टेड स्पॉन आर केप्ट इन हापा फिक्स्ड इन पॉन्ड क्रीक इन रिवर. तो टेम्पररी स्टोरेज के लिए हम लोग सबसे पहले वो जो स्पॉन होते हैं कलेक्टेड स्पॉन होते हैं उनको हम किस में रखते हैं, हापा में रखते हैं, जो कि किसी पॉन्ड में फिक्स किया जाता है या फिर क्रीक्स में और रिवर में फिक्स किया जाता है. तो हापा आपने हमने हापा के बारे में पढ़ा है. हापा डबल वॉल होता है जो कि नेट से बना होता है, तो अंदर में छोटे नेट का हापा बना होता है, इनर हापा, जिसमें हम लोग एग्स रखते हैं. जब वो एग्स ब्रेक होते हैं तो वो आधा पानी में होता है, जब वो एग्स हापास जो होते हैं, तो हम हापा में जब उनको रखते हैं स्पॉन को, इनर हापा में रखते हैं, उसमें नेट होती है लगी, तो जब स्पॉन जब ब्रेक होते हैं, एग्स जब ब्रेक होते हैं, उसमें से जो हैचलिंग्स निकलते हैं तो वो उस नेट के थ्रू इनर हापा में चले जाते हैं, ठीक है, सॉरी आउटर हापा में चले जाते हैं, मीन्स फिर वो वहाँ पे आउटर हापा में कुछ टाइम के लिए रहते हैं. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हापा, जो कि हम पॉन्ड रिवर या क्रीक में फिक्स करते हैं. और इन सीरीज ऑफ पिट्स या फिर पिट्स बनाए जाते हैं, ऐसे खड्डे बनाए जाते हैं, उनमें भी हम फिक्स कर सकते हैं. प्लास्टर विथ सिल्ट एंड फील्ड विथ पॉन्ड और रिवर वाटर, ऐसे खड्डे हम बनाते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं सिल्ट से और पानी से, पॉन्ड वाटर या फिर रिवर वाटर से भर देते हैं, तो उसमें भी हम फिक्स कर सकते हैं हापा को. साइज ऑफ द पिट इज 1.80 meter इंटू 0.90 meter इंटू 0.60 meter. पिट्स आर कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम फ्लड लेवल इन रोज. तो जब हम पिट्स बनाते हैं तब उसका साइज कैसा होता है, 1.80 meter इंटू 1.90 meter इंटू 0.90 meter इंटू 0.60 meter. तो ये क्या है, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेथ. उसके बाद इस तरीके से पिट कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और ये फ्लड लेवल जो होता है उससे दूर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. इन ईच रो 6 pits आर कंस्ट्रक्टेड. तो ये रोज में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो हर एक रो में 6 pits बनाए जाते हैं ऐसे. अभी है फिश सीड प्रोडक्शन फ्रॉम बंद ब्रीडिंग, और उसके बाद जो फिश सीड प्रोडक्शन फ्रॉम इंड्यूस ब्रीडिंग. तो इंड्यूस ब्रीडिंग तो यहाँ से हमारे चैप्टर से रिड्यूस है, तो हमें सिर्फ बंद ब्रीडिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ना है. बट ये दोनों भी जो टॉपिक है हमने, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है पेपर 1 का, जो चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ फिश ब्रीडिंग, उसमें हमने पेज नंबर 45 जो है वहाँ पे हमने ये दोनों भी टॉपिक
पढ़ लिए हैं तो आप वो स्लाइड एक बार देख लेना, उसमें दोनों भी दिया है, बर्न ब्रीडिंग और इंड्यूस ब्रीडिंग। तो इंड्यूस ब्रीडिंग जो है वहाँ पे भी डिलीट है, तो इंड्यूस ब्रीडिंग हमें पढ़ना ही नहीं है, रिड्यूस टॉपिक है वो। तो जो बर्न ब्रीडिंग है पेज नंबर 45 पे, 45 चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने बर्न ब्रीडिंग पढ़ा हुआ है, जिसमें दो तरीके दिए हैं, पेरिनियल बर्न बर्न्स और वेट बर्न और सीजनल बर्न और ड्राई बर्न। तो ये आपने उस हमारे बुक में से पढ़ लेना जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हैचलिंग टेक्निक्स फॉर डिफरेंट फिशेस, ये जो टॉपिक है तो ये 12th वाले बुक में है, 12th की जो बुक है उसमें दिया गया है, तो उसका मैं आपको वीडियो भेजूँगी, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे स्लाइड में। हैचलिंग टेक्निक्स फॉर डिफरेंट फिशेस इज डिस्क्राइब इन चैप्टर नंबर 3 फिश फार्म मैनेजमेंट इन फ्रेश वाटर फिश कल्चर स्टैंडर्ड 12th बाय निकिता पब्लिकेशन लातूर। तो ये जो टॉपिक है ये मेरे पास है, आपको मैं इसका वीडियो भेज दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट।